हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन में। मैं जनित चौधरी फिर से लेकर आया आपके लिए इंग्लिश वोकैब सेशन। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी, इन जो वर्ड्स लिखे हुए आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, इन सारे वर्ड्स को हमने लिंक से याद किया था। आई विश कि आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे। अगर आपको ये वर्ड्स याद नहीं हो पाए हैं तो आप एक बार मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उससे आप ये वीडियो देखेंगे तो ये आपको वर्ड्स याद हो रहे होंगे। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो ये दोबारा से देख सकते हैं। ये वीडियो पहले डली हुई है, जो ये वर्ड्स ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं ये वीडियो पहले डली हुई है। आज हम दूसरी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, हम आगे वर्ड्स लेके चलने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज की वीडियो का पहला वर्ड, जो कि है बिसाइज। बिसाइज का हमें लिंक तैयार करना होगा। पहले हमें हर वर्ड का लिंक तैयार करना होगा। अब बिसाइज का वर्ड का लिंक कैसे तैयार करें? देखिए दोस्तों, प्रोनंसिएशन पे नहीं जाना है हमें, किसी वर्ड के प्रोनंसिएशन पे नहीं जाना है। हाँ, आप बोल सकते हैं प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए, बट हमें किसी वर्ड को प्रोनंसिएशन के थ्रू याद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इनका लिंक बनाएंगे तो इनका प्रोनंसिएशन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं बिसाइज की। तो बिसाइज में आपको हमें लिंक बनाना है, तो कैसे बनेगा? इसमें दिख रहा होगा आपको बी। अब हमें बी को लिंक में ऐड करना है। कैसे? यहाँ लिख लिया हमने बी, हमने बी डबल ही लिखा, क्योंकि हमें याद करने के लिए लिंक बनाने के लिए कुछ तो करना होगा। अब बी क्या होता है? मक्खी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्या लिंक इसमें ऐड करना है। एक हमें ऐड करना है सीज। अब सीज को अब हम जैसे ऐड करेंगे, तो ये हमने सीज ऐड करा, जब्त करने वाला। ठीक है, बी प्लस सीज। अब इसे हम बिसाइज ना कह के बिसीज कह लीजिए, क्योंकि अगर हमें इसे याद करना है तो इसका प्रोनंसिएशन बिगड़ जाएगा। ठीक है, बिगड़ जाने का वर्ड याद रखने हैं हमें, मीनिंग याद होना चाहिए, ये नहीं कि प्रोनंसिएशन। आपको एग्जाम में ये थोड़ी पूछेगा कि इसे क्या कहते हैं, बिसाइज कहते हैं बिसाइज कहते हैं। तो हमें सिर्फ वर्ड को याद करना है, हमें वहाँ पर स्पेलिंग पूछ लेता है तो स्पेलिंग याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब लिंक में हमें मिला बी प्लस सीज। अब ये है मक्खी और ये है सीज। देखिए दोस्तों, एक होती है मधुमक्खी। अब मधुमक्खी को जब्त करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले उसे मधुमक्खी को जब्त करने के लिए हमें पहले उसे सीज करना पड़ेगा, नहीं जब्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घेरना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हम इस वर्ड को बिसाइज को याद कैसे करने वाले हैं? लिंक मिल गया हमें बी प्लस सीज। अब हमें क्या कैसे याद करना है? बी को सीज करने के लिए, बी को सीज करने के लिए, मैं पूरी लाइन लिख देता हूँ, करने के लिए घेरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घेरना पड़ेगा या घेरना होगा। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है घेरना, इसे मीन्स सराउंड विद, साउंडेड विद, तो ये जो वर्ड है घेरना, यही इस वर्ड का मीनिंग है। बी को सीज करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? बिसाइज करना पड़ेगा, यानी घेरना पड़ेगा। यही हमारा वर्ड है बिसाइज। ठीक है दोस्तों, तो हमें अच्छी तरीके से ये वर्ड याद हो पा रहे होंगे। अब हमारा दूसरा वर्ड है ब्रेफ्ट। अब दोस्तों, ब्रेफ्ट को भी ऐसे हमें याद करना है। देखिए, हमें पहले इसका लिंक तैयार कर लेते हैं। लिंक लिख लीजिएगा, इसका लिंक कैसे लिखेंगे हम? इसमें आपको दिख रहा होगा हमें ब्रेफ्ट को कैसे याद करना है। हमें इसका प्रोनंसिएशन बिगाड़ना होगा। प्रोनंसिएशन कैसे बिगड़ेगा? बियर, बियर, बियर देखा आपने, भालू, उसे बियर को ऐसे याद करेंगे, बियर लिख लिया हमने। अब प्लस इसमें वर्ड हमने ऐड करना होगा फिट। अब हमें एक वर्ड मिल गया बियर, दूसरा हमें मिल गया फिट। ठीक है, अब ब्रेफ्ट को हम याद कैसे करने वाले हैं? इसके लिए हमें एक लाइन लिखनी होगी, जिससे हम वर्ड को याद कर पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, बियर से 5 फिट, या कुछ भी लिख सकते हैं, बियर से फिट दूर रहो, कुछ फीट दूर रहो, या कुछ भी फीट दूर रहो। तो बियर से कुछ फीट दूर रहो मीन्स दूर रहना, मीन्स वंचित रहना, ही इसका मीनिंग है। बियर से 5 फीट दूर रहना, ठीक है। तो ये दूर रहना क्या है? यही है हमारा वर्ड ब्रेफ्ट। क्या है? ब्रेफ्ट मीन्स
वंचित रहना भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है दोस्तों ऐसे ही हमारा थर्ड वर्ड है बिकर। अब बिकर का भी हम लिंक बनाएंगे, तो हमें प्रोनंसिएशन के, अगर हम प्रोनंसिएशन पर चलेंगे तो प्रोनंसिएशन पर हमारा क्या होगा, वर्ड्स हम याद नहीं कर पा रहे होंगे। हमें लिंक बनाने के लिए हमने बना लिया बिकर, ये वो बिकर है जो केमिकल लैब्स में यूज़ होता है, ठीक है। अब बिकर में याद करने के लिए बिकर वर्ड को कैसे करेंगे, उसने क्या किया, उसने बीकर में कोल्ड ड्रिंक ले ली, क्या ले ली, कोल्ड ड्रिंक ले ली। जब उसने बीकर में कोल्ड ड्रिंक ले ली तो उसने क्या कर लिया, उसने दूसरे से झगड़ा कर लिया, क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया। बिकर में कोल्ड ड्रिंक लेने के चक्कर में उसने झगड़ा कर लिया। अब जब झगड़ा कर लिया तो ये वर्ड भी हमारा याद हो जाएगा, जब झगड़ा कर लिया, क्योंकि झगड़े का ही क्या वर्ड है, यही है हमारा बिकर। झगड़े का ही मीनिंग क्या है, बिकर है हमारा। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वर्ड्स तीनों मैंने ऐसी लिंक से कराए हैं। देखिए दोस्तों, जो हम ये वोकैबुलरी कर रहे हैं ये हमारी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में बहुत हेल्प करने वाली है, बिकॉज अगर आप वोकैबुलरी याद कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सिनोनिम्स और एंटोनिम दोनों याद कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप पूरी वोकैबुलरी याद कर लेंगे उससे ही हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स बने हुए हैं। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है कि हर मीनिंग का, हर वर्ड का मीनिंग पता हो। अब आइए हम शुरू करते हैं, हमारा जो हमारा अगला वर्ड है वो है बिल्क। अब इसका लिंक बनाइए, पहले आप नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं। अब बिल्क का लिंक बनाएंगे, बिल्क का लिंक कैसे बन जाएंगे, ऐसे ही जैसे पहला बनाया है मैंने, बिल्क का लिंक हो गया मिल्क। एक लाइन तैयार करेंगे भाई पहले की तरह, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पर्सन ने क्या किया, उसने मिल्क पिया, क्या पिया, मिल्क पी लिया, मिल्क पी लिया, फिर उसने धोखा दिया, क्या दिया, धोखा दिया, उसने मिल्क पी के धोखा दिया। अब ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, धोखा दिया, धोखा देना, ठीक है, या ठगना, यही क्या है हमारा, यही वर्ड है हमारा बिल्क। क्या वर्ड है, बिल्क, बिल्क का मतलब है धोखा देना या ठगना। तो ऐसे ही हमारा अगला वर्ड है बिनाइन। अब बिनाइन को कैसे याद करेंगे दोस्तों, मैंने पहले तो आपको ये बात बताई है कि प्रोनंसिएशन में मत जाइएगा, और लिंक को याद करने के लिए प्रोनंसिएशन पे अगर आप जाएंगे तो आप वर्ड को याद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे इसका लिंक बनाना है हमें। अब लिंक में आपको देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है एक वर्ड है बैनी और दूसरा वर्ड है जी एन, मीन्स गुड नाइट कह लीजिएगा। अब इसे लिंक में लिख लीजिएगा, बैनी प्लस दूसरा जी एन, मीन्स ये जी एन क्या है, इसे हमने कह दिया गुड नाइट। अब देखिए इसकी एक लाइन तैयार करेंगे हम, लाइन कैसे तैयार करेंगे, बैनी अब रोज, बैनी अब रोज गुड नाइट कहती है। अब बैनी अब रोज गुड नाइट कहती है, अब क्यों कहती है, क्योंकि अब वह दयालु हो गई है, मीन्स काइंड हो गई है या जेंटल हो गई है। तो ये जो वर्ड है, क्योंकि अब वह दयालु हो गई है, अब ये दयालु जो वर्ड है यही क्या है हमारा, बिनाइन। लिख लीजिएगा आप इसका बिनाइन, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये वर्ड याद हो गया। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड आप देख पा रहे होंगे, टेमेरिटी। अब टेमेरिटी को भी ऐसे याद करना है, पहले हम इसका लिंक बनाएंगे। अब लिंक बना दीजिए, देखिए दोस्तों कुछ वर्ड्स आपको पता होंगे,
कुछ वर्ड्स मुझे पता हैं, लेकिन अगर आप उन वर्ड्स का लिंक नहीं बना पा रहे हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उन वर्ड्स को डाल सकते हैं। मीन्स आप वहाँ पे आप मैसेज करके सर ये वर्ड है हमारा, इसका लिंक तैयार करके दीजिए, तो मैं उस अगली वीडियो में उस वर्ड को ला पा रहा हूँ। तो देखिए अगला वर्ड है हमारा टेमेरिटी। अब टेमेरिटी का लिंक बनाएंगे, एक तो हमें दिख रहा है टी, दूसरा आप देख पा रहे होंगे ये मैरी, ठीक है, और तीसरा है टी वाई। तो इसका हमें बनाएंगे तुम, ठीक है, बना लिया तुम, मेरी एम ई आर आई मेरी, ठीक है, और ये टी वाई का बना लेंगे टी, तुम मेरी टी। टेमेरिटी का प्रोनंसिएशन तो टेमेरिटी है, बट इसका लिंक याद करने के लिए तुम मेरी टी। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए वही पहला वाला तरीका, एक लाइन बनाएंगे उसको याद करने के लिए। तो इस वर्ड को याद कैसे करेंगे, तुमने मेरी टी यानी चाय, तुमने मेरी टी पी कैसे, मीन्स उसने उससे बिगर पूछे उसकी चाय पी ली यानी टी पी ली। अब उस तुमने मेरी टी पी कैसे, कैसे क्यों पी, ठीक है, तुमने मेरी टी पीने की गुस्ताखी कर दी। अब उसने उसकी चाय पी ली और गुस्ताखी कर दी, मानी कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई, गुस्ताखी हिम्मत कैसे हो गई, तो तुमने मेरी टी पी के गुस्ताखी कर दी। तुमने मेरे टी पी के गुस्ताखी कर दी, मीन्स मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुमने मेरे टी पी के कैसी गुस्ताखी कर दी। गुस्ताखी क्या है हमारा, यही है हमारा टेमेरिटी, ये वर्ड हमारा टेमेरिटी। तो दोस्तों हमें प्रोनंसिएशन पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ वर्ड्स को याद करना है, लिंक बनाते चलना है और उन वर्ड्स को याद करते चलना है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।